हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक नई तरीके की रेसिपी जिसे बोलेंगे चीला डोसा चीला डोसा आप एम टी आर के इंस्टेंट रेडी मिक्स डोसा मिक्सचर के साथ बना सकते हैं इसके अंदर मैं कर्ड ऐड करूंगी और थोड़ा सा बेसन ऐड करूंगी और उसी घोल के साथ मैं उसके अंदर कुछ भी डाल सकती हूँ मेरे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शन है बट करेंटली मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव डालूंगी धनिया की पत्तियां डालूंगी और मैं इसको नॉर्मल चीले के प्रोसेस से बनाऊंगी मैंने ये तवा ग्रीस कर दिया है और मैं अपना बैटर से फैलाऊंगी और इस बैटर को फैला के आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये पक जाएगा इसका बैक साइड फिर मैं इसे पलट दूंगी और देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ गया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप गलती से एम का पैकेट लेके आ गए हैं डोसा का या किसी वजह से आ गया है और आपसे डोसा नहीं बन रहा है आप उसके इसमें भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आप डोसा बना सकते हैं उसका डोसा आपसे बहुत अच्छा बन रहा है जो की आपने अपने अपना एक्सपीरियंस होते हैं अगर आपका डोसा बहुत अच्छा बन रहा है उसके इसमें भी आप ये चीला डोसा जरूर ट्राई करिएगा ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये आपको चीला का और डोसे का दोनों का मिक्स फ्लेवर देता है ये देखिए मेरा डोसा चीला डोसा कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है इसको किसी भी करी जो भी अवेलेबल करी चटनी चाय दूध उसके साथ इसको खा सकते हैं संडे को वैसे भी हम लोग कोई अलग टाइप का नाश्ता ढूंढते हैं तो उस किस्म ये बहुत हेल्पफुल है तो मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद तो आता है और सब लोग बहुत खुश होकर खाते हैं आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग